एक बार एक व्यापारी पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसका व्यापार बंद होने के कगार पर था। वो बहुत परेशान था और एक बगीचे में बैठा हुआ था। सोच रहा था कि काश कोई उसकी कंपनी बंद होने से बचा ले। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। व्यापारी ने अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। व्यापारी की समस्या सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर उस व्यापारी को दे दिया और बोला, तुम ये चेक रखो और ठीक 1 साल बाद हम यहाँ फिर से मिलेंगे, तब तुम मुझे ये चेक वापस लौटा देना। व्यापारी ने चेक देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसके हाथों में 50 लाख रुपए का चेक था, जिस पर शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर के साइन थे। उस व्यापारी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर था। उसने उस बूढ़े आदमी को आसपास देखा, लेकिन वो वहां से जा चुका था। पर व्यापारी बहुत खुश था कि अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और अब वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में करेगा। लेकिन उसने निर्णय किया कि उस चेक को वो तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। उस व्यापारी की निराशा और चिंताएं दूर हो चुकी थी। अब वो निडर होकर अपने व्यापार को नए आत्मविश्वास के साथ चलाने लगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए का चेक जो था। उसने कुछ महीनों में इतने अधिक लाभ प्राप्त कर लिए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और उसने चेक को इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्जा चुका दिया। ठीक 1 साल बाद व्यापारी वो चेक लेकर उस बगीचे में पहुंचा जहां पर 1 साल पहले वह बूढ़ा आदमी उससे मिला था। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी मिला। व्यापारी ने चेक वापस करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की। इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा व्यापार फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक का उपयोग करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपनी बात पूरी करता पर साथ में ही पागलखाने के जो कुछ कर्मचारी थे वहां पहुंचे और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागलखाने ले जाने लगे। ये देखकर व्यापारी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो ये कौन है, ये शहर के सबसे अमीर आदमी है। पागलखाने के कर्मचारी ने कहा, ये तो एक पागल है जो खुद को जॉन रॉकफेलर समझता है। ये हमेशा भागकर इस बगीचे में आ जाता है और लोगों से कहता है कि वह इस शहर का सबसे मशहूर व्यक्ति है। हमें लगता है इसने आपको भी बेवकूफ बना ही दिया। वह व्यापारी पागलखाने के कर्मचारी की बातें सुनकर सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वह व्यक्ति जॉन रॉकफेलर नहीं था। 1 वर्ष से वह जिस चेक के दम पर आराम से अपने व्यापार को जोखिम में उठा रहा था वो नकली था। फिर वह बहुत देर सोचता रहा। उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यापार वापस खड़ा किया है, बल्कि ये तो उसकी निडरता और आत्मविश्वास था जो उसके अंदर था। दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति शामिल है जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कभी-कभी इतनी नेगेटिविटी और निराशा और डर के अंधकार में डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर असीमित शक्तियां हैं जो अंधकार को पल भर में दूर कर सकती हैं। हम जब आत्मविश्वास और निडरता का रास्ता चुनते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।